महंगाई ने तोड़िया आम लोगों का लक। पेट्रोल ते डीजल की कीमतों के अलावा हुण खाण दीआं चीज़ां भी हुईआं महंगीआं। खाद तेल की महंगाई नूं लैके 25 अक्टूबर नूं बुलाई गई सूबिआं दी मीटिंग। सत श्री अकाल जी, तुसीं ते लुधियाना टाइम्स ते मैं हाँ हर्ष कौर। महंगाई है जिहड़ी दिनों दिन वधदी जा रही है ते वह रुकण दा नाम ही नहीं लै रही। महंगाई के जिहड़े झटके आ रोज़ आम लोगों नूं मिल रहे हैं। तो तुहानूं दस दईए कि जिहड़े दे पेट्रोल ते डीजल का रेट आ वह दिनों दिन लगातार हर रोज़ 35 पैसे वध रहा है। तो हुण पेट्रोल की कीमत आ 108 रुपये पर लीटर तो वध गई है, जबकि डीजल के रेट आ उसने तो सेंचुरी मार दी है। तो नाल दस दईए कि पेट्रोल ते डीजल की कीमतों तो इलावा तुहानूं दस दईए कि जिहड़ी खाण दीआं चीज़ां वह भी महंगी हो गई ने। तो टमाटर की जिहड़ी कीमत आ वह आसमान नूं छू रही ने, जबकि केंद्र सरकार कह रही है, उन्हों का कहना है कि जिहड़ी प्याज की कीमत वह पिछले साल नालों इस बार घट आ, ते जिहड़े खाद तेल आ इस दी जिहड़ी कीमत आ उसदी वाधे च उसनूं रोक ला दित्ती गई है। ते केंद्र सरकार ने खाद तेल की महंगाई नूं लै के 25 अक्टूबर नूं सूबिआं दी बैठक बुलाई है। तो इस बैठक विच स्टॉक सीमा तय करन दा फैसला किया जाएगा। तो केंद्र सरकार का दावा है कि उन्हां दी बदौलत ही प्याज ते खाद तेल की जिहड़ी कीमत आ वह स्थिर ने। तो जबकि खाद मंत्रालय के मुताबिक उन्होंने कहना है कि पिछले साल 21 अक्टूबर में जो प्याज एक किलो वो 55 रुपए सीगा, तो इस साल जोड़ा 21 अक्टूबर जो प्याज है वो एक किलो 41 रुपए आ। तो नाल ही उनका कहना है कि जी प्याज की नवी फसल अगले महीने तो आनी शुरू हो जाएगी, जिस करके जी इसकी कीमत आ वो स्थिर हो जाएगी। नाले उन्होंने भी कहना है कि जिहड़ी खाद तेलों की कीमत स्थिर नहीं, 14 अक्टूबर नूं 184 रुपए पर लीटर सी, नाल हुण कि 21 अक्टूबर नूं 185 रुपए हो गई है। हालांकि तुहानूं दस दईए कि 21 सितंबर नूं 180 रुपए पर लीटर सी तेल, जबकि पिछले साल दस दईए 21 अक्टूबर नूं 128 रुपए पर लीटर सी। महंगाई जिवें कि तुसीं दिनों दिन वधदी जा रही है, पेट्रोल डीजल दीआं कीमतां लगातार वध के 35 पैसे वध रही ने। तो इस दे नाल ही पेट्रोल डीजल की कीमत नाल ही बाकी चीज़ां वध रही ने। बेरोज़गारी जिमें कि तुहानूं गल करिए, बेरोज़गारी बहुत आ, जिस हिसाब नाल सरकार महंगाई भी वधा रही है, लोगों का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो महंगाई के बोझ थले लोग दब रहे हैं, लोगों का जिहड़ा बजट पूरा हिल चुका है, जिहड़े कि दिहाड़ी करते हैं उन्हां दा कमाई उन्नी नहीं हुंदी जिन्ना उन्हां दा खर्चा भी हो रहा है। अगर आप पेट्रोल डीजल प्याज टमाटर की भी अगर आप गल करिए, सिलेंडर भी वध चुके, सिलेंडर की कीमत भी वध गई ने। तो हुण ये देखना होगा कि सरकार कदों तिकर हुण महंगाई की राहत दिंदी है लोगों को, रिपीट हुण कदों ये कीमतां घटनगियां। तो हो वधेरे अपडेट्स लई तुसीं देखते रहो लुधियाना टाइम्स। महंगाई ने तोड़िया आम लोगों का लक। पेट्रोल ते डीजल की कीमतों के अलावा हुण खाण दीआं चीज़ां भी हुईआं महंगीआं। खाद तेल की महंगाई नूं लैके 25 अक्टूबर नूं बुलाई गई सूबिआं दी मीटिंग। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख लुधियाना टाइम्स ते मैं हाँ हर्ष कौर। महंगाई है जिहड़ी दिनों दिन वधदी जा रही है ते वह रुकण दा नाम ही नहीं लै रही। महंगाई के जिहड़े झटके आ वह रोज़ आम लोगों नूं मिल रहे हैं। तो तुहानूं दस दईए कि जिहड़े दे पेट्रोल ते डीजल का रेट आ वह दिनों दिन लगातार हर रोज़ 35 पैसे वध रहा है। तो हुण पेट्रोल की कीमत आ 108 रुपए पर लीटर तो वध गई है, जबकि डीजल के रेट आ उसने तो सेंचुरी मार दी है। तो नाल दस दईए कि पेट्रोल ते डीजल की कीमतों तो इलावा तुहानूं दस दईए कि जिहड़ी खाण दीआं चीज़ां वह भी महंगी हो गई ने। तो टमाटर की जिहड़ी कीमत आ वह आसमान नूं छू रही ने, जबकि केंद्र सरकार कह रही है, उन्हां दा कहना है कि जिहड़ी प्याज की कीमत आ वह पिछले साल नालों इस बार घट आ, ते जिहड़े खाद तेल आ इस दी जिहड़ी कीमत आ उसदी वाधे च उसनूं रोक ला दित्ती गई है। तो केंद्र सरकार ने खाद तेल की महंगाई नूं लैके 25 अक्टूबर नूं सूबिआं दी बैठक बुलाई है। तो इस बैठक विच स्टॉक सीमा तय करन दा फैसला किया जाएगा। तो केंद्र सरकार का दावा है कि उन्हां दी बदौलत ही प्याज ते खाद तेल की जिहड़ी कीमत आ वह स्थिर ने। तो जबकि खाद मंत्रालय के मुताबिक उन्होंने कहना है कि पिछले साल 21 अक्टूबर में जो प्याज एक किलो वह 55 रुपए सीगा, तो इस साल जो 21 अक्टूबर जो प्याज है वह एक किलो 41 रुपए आ। तो नाल ही उन्होंने कहना है कि जी प्याज की नवी फसल अगले महीने तो आनी शुरू हो जाएगी, जिस करके जी इसकी कीमत आ वह स्थिर हो जाएगी। नाले उन्होंने भी कहना है कि जिहड़ी खाद तेलों की कीमत स्थिर नहीं, 14 अक्टूबर नूं 184 रुपए पर लीटर सी, नाल हुण कि 21 अक्टूबर नूं 185 रुपए हो गई है।
हालांकि तुम दस दिए कि 21 सितंबर 180 रुपये पर लीटर से तेल, जबकि पिछले साल दस दिए 21 अक्टूबर 128 रुपये पर लीटर से। महंगाई जिमें कि तुसे दिनों दिन वधदी जा रही है, पेट्रोल डीजल दीआं कीमतां लगातार वध के 35 पैसे वध रही ने, ते इस दे नाल ही पेट्रोल डीजल की कीमतां नाल ही बाकी चीज़ां वध रही ने। बेरोज़गारी जिमें कि तुहानूं गल करिए, बेरोज़गारी बहुत आ, जिस हिसाब नाल सरकार महंगाई भी वधा रही है, लोगों का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है, तो महंगाई के बोझ थले लोग दब रहे हैं। लोगों का जिहड़ा बजट पूरा हिल चुका है, जिहड़े कि दिहाड़ी करदे ने उन्हां दा कमाई उन्नी नहीं हुंदी जिन्ना उन्हां दा खर्चा भी हो रहा है। अगर आप पेट्रोल डीजल प्याज टमाटर की भी अगर आप गल ना करिए, सिलेंडर भी वध चुके हैं, सिलेंडर की कीमत भी वध गई ने। तो हुण ये देखना होगा कि सरकार कदों तक हुण महंगाई की राहत दिंदी है लोगों को, रिपीट हुण कदों ये कीमत घटनगियां। तो हो वधेरे अपडेट्स देखते रहो लुधियाना टाइम्स।